ओम शांति। हम अव्यक्त मूल्यों को रिवाइज कर रहे हैं। आज है 71वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है फूल की निशानी, संपूर्णता की निशानी, फ्लॉलेस। उसमें कोई दाग नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी है तो वो संपूर्ण नहीं है। ये बाबा ने मुरली सुनाई थी 22 अक्टूबर 1970 को। मास्टर जानी जाननहार बने हो, वैसे बाबा कहते मैं जानी जाननहार नहीं हूं, मैं इन जनरल सब कुछ जानता हूं, सामान्य रूप से मैं सब कुछ जानता हूं, बाकी मैं तुम्हारे दिल के अंदर क्या क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता। तो आज बाबा हम ही कह रहे हैं मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए, सारा ज्ञान आपको मिल गया है। मास्टर नॉलेजफुल जानी जानन हार बन गए हो या बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो, नॉलेजफुल बन गए या नॉलेजफुल बन रहे हो, क्या हो? नॉलेजफुल बन रहे हो या ब्लिसफुल बन रहे हो? बन रहे हो या बन गए हो? इतने बात बच्चों ने बोला बन रहे हैं, इतने इतने बार बाबा ने कहा, इतना बोलने के बाद बच्चों ने क्या जवाब दिया? बन रहे। जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, ब्रह्मा बाबा को देखा ना कि लास्ट में क्या स्टेज थी, वहां तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो, ब्रह्मा बाप समान उतने बने हो, आप सारे ब्रह्मा बाबा के साथी हो। उस समय के जो साथ वाले थे उनकी क्लास ले रहे हैं अच्छी तरह से, कि ब्रह्मा बाबा को और आपको सबको ज्ञान इकट्ठा मिला। अब ये दूसरा साल ऊपर जा रहा है, अभी तक आप ब्रह्मा बाप समान बने हो कि नहीं बने हो? हमारे को नहीं कह रहे हैं, वैसे नत्तर की बात है, हमें तो ना कह रहे हैं, बाकी हम मान लें अपने ऊपर ले लें, हमारी मर्जी है, वो हमारी अपने ऊपर कृपा है कि हम कृपा करें ऊपर के अपने ऊपर मान ले। क्या कहना? साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते। कहां तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना है, ये उदाहरण तो आपको स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो वा रचना के, रचयिता के नशे में रहते हो या रचना के, किस नशे में ज्यादा समय? मतलब बाबा का, बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा की हम रचना है, ये नशा आपको रहता है, ये नशा कब रहेगा? जब हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चढ़ती कला में सुधारते जा रहे होंगे तो हमें नशा रहे। और यदि हमें ये नशा है मेरा परिवार मेरा ये मेरा वो ये मेरी रचना है, तो अपनी रचना के प्रति आप ज्यादा अटेंशन रहे या हम रचना है, मतलब रचयिता का नशा है हमें, मतलब हमने इतने सेंटर खोल दिए, इतनी सेवाएं कर दी, ये भी बाबा से अलग करने वाला, क्योंकि हमारी रचना मेरे में हूं बाबा की रचना, मैं हूं बाबा की रचना, आगे जो कुछ भी मैंने किया वो मेरी रचना,
मैंने इतने सेंटर खोले, इतने क्लास कराए, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, इसमें हम फंसे हुए हैं, तो बाबा याद क्यों क्यों चला गया बाबा यहां से? बाबा ने करवाया, जहां मैंने किया वहां मैं रचयिता बन गया, और रचयिता याद आए तो मैं तो कर ही नहीं सकता। फिर बाबा ने क्या क्या करवाया तो बाबा का नशा मुझे रहेगा। तो मतलब ये अंतर समझना और समझकर चलना। तो रचयिता और रचना में अंतर समझ में आया? किस नशे में ज्यादा समय रहते? अपनी रचना का ज्यादा नशा रहता है कि रचयिता का ज्यादा नशा रहता है? दोनों मेरे से अलग है, दोनों मेरे से अलग है। एक मेरी रचना है, एक मेरा रचयिता। अब किसका अभिमान है? इतनी इतनी बारीकी से सारी बातें समझानी पड़ती हैं बाबा को। किस नशे में ज्यादा रहते समय रहते हो? आज ये प्रश्न क्यों पूछा? खुद बाबा कह रहा है, देखा, बाबा खुद कह रहा है, आज मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे। आज बाबा, क्योंकि तो पुराने बच्चे बैठे हैं, तो उन रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहां तक फ्लोलेस है, कितने बेदाग बने हैं, कितने दाग बाकी रह गए। पुराने बच्चे बैठे तो मुरली टॉप हो जाती है, अर्थात फुल हैं। बाबा ये आज देख रहे थे बाप दादा। अगर फुल नहीं तो, नहीं तो फेल, फुल नहीं तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे कि कितने बच्चे फुल हैं और कितने बच्चे फेल। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो, इसलिए प्रश्न पूछा आज बाबा ने। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है, सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेज फुल। अब ये नॉलेज और मास्टर नॉलेज फुल में क्या फर्क कर रहा है बाबा? एक तो देखो ये है, क्या बोलते हैं, सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेज हो। क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है, बच्चों को मास्टर नॉलेज फुल बनना ही है, सिर्फ नॉलेज में नहीं। नहीं नहीं, यहां ये बात नहीं कह रहा है बाबा। यहां बाबा कह रहा है नॉलेज तो दुनिया में बहुत सारी है, उस नॉलेज में नहीं, मास्टर नॉलेज फुल, मेरी नॉलेज में फुल बनो। जैसे मैं नॉलेज फुल हूं ऐसे तुम नॉलेज फुल बनो, वरना दुनिया की नॉलेज में नहीं। नॉलेज तो दुनिया वाली बातों को भी नॉलेज कहेंगे, पर तू मास्टर नॉलेज फुल मतलब मेरी तरह, हाँ, विशेष नॉलेज। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो, रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो, ये कौन बनेंगे? मास्टर तो हो ना, मास्टर तो हो ना। मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? आप मास्टर हो, मेरे बच्चे हो, ठीक है, आप बताओ कि मास्टर नॉलेज फुल में ना हो सकती है? इतनी चलाकी से फंसाता है। या तो मेरे बच्चे नहीं हो
और मेरे बच्चे हो तो नॉलेजफुल ऑटोमेटिक हो, समझ गए। जहां बाबा की नॉलेज हमारे में नहीं है वहां हम बाबा के बच्चे भी नहीं, मास्टर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखो, मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपके दो ही साहब हैं तो बाप दादा के भी दो रास है, ठीक है, और तुम्हारे दो ही साहब हैं तो बाबा के भी दो राज हैं। अभी देखो, आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। हर आत्मा में बाप दादा निकम में काम तो कोई है नहीं, अब सवेरे सवेरे हमारे को देखने बैठ गए थे ने, हाँ और क्या करे, कोई काम तो है नहीं ना, तो देख रहे हैं कि बच्चों में कौन कौन से। आज एक एक में तीन तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे कि हम दोनों बैठे हुए थे क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न की तीन बातें देखी, वे कौन सी? ये भी एक ड्रिल कराते हैं, ड्रिल करा रहे हैं। आज तीन बातें ये देख रहे थे, एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने हो, मेरे से कितना आपने लिया है, और साथ साथ यथार्थ रूप में कहां तक लिया तो है, तो यथार्थ रूप में कितना लिया है। तो लाइट माइट और राइट ये तीन बातें देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वो भी बता देते हैं। कभी सर्विस की है ना, अभी सर्विस की है ना, तो वो रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक जो भी सेवाएं आपने की हैं, ये 1970 की बात है, सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है। आपकी सेवा का रिजल्ट क्या निकला है? आवाज फैली, आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान अभी करना। आवाज फैला है लेकिन आत्माओं का आह्वान करना, आह्वान करना और बाप के समीप लाना, और बाप के समीप लाना, ये पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक है, अभ्यासी नहीं है, इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है, लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। अभी भल आह्वान करते भी हो लेकिन रिजल्ट आवागमन में आते हैं चले जाते हैं, आवागमन में आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाएं वो काम अब बस जो आवे ना स्वा हो जाए, खत्म, मर गया, सारे परिवार वाले मर गए, ऐसा बना दो उसको, सारे मर गए, बड़ा हाँ मेरे को तो
समझ में आ जाता है ना, अभी ठीक है सारे खत्म हो जाए बस, उसको और कुछ ना रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। नॉलेज के तरफ आकर्षित होते हैं कि तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन नॉलेज फुल के ऊपर आकर्षित कर, किस पर दीवाना का दीवाना करना है, शिव बाबा पर, बस उसकी सगाई उसके साथ कर दो, इतनी प्रशंसा उसको कर दो, हाँ इतनी बड़ाई करो उसकी उसके सामने, इतनी बड़ाई करो उसके सामने, बस वो कहे मैं तो शादी करूंगा तो अब इसके साथ करूंगा और किसी से नहीं। जितनी बड़ाई कर सकते हो उतनी बड़ाई उसके सामने। अभी तक मास्टर रचयिता कहां कहां रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाए, है तो मास्टर रचयिता पर तो कहां कहां रचना अपने कार्यों अपने कर्तव्य जो कुछ किया है उसके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं बस। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना और वैसा ही वो सबूत दे रहा है, तो उसकी रचना भी अपनी रचना के प्रति आकर्षित होती है, वो शिव बाबा के साथ आकर्षित नहीं हो पाती। अभी तक शक्ति रूप शूर वीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है, तुम्हारे ही नैनों और चैनों में नहीं है, तो वाक्यों में आप कैसे लाओगे? शक्ति व शूर वीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सके। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहां कहां आकर्षित कर लेते। मतलब आपके अंदर तो है ही, दुनिया में जिनमें आसुरी लक्षण है वो भी आपको अच्छे लग जाते, तो फिर बाबा कहां से अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कहीं और आकर्षित हो गए तो बाबा से आकर्षण खत्म हो गया। जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो वायुमंडल ऐसा था, क्या करते, वाइब्रेशन ऐसे थे, सारा गंध था, वह समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई, कारण बताया गोया अपने को जेल में दाखिल कर कारागार में डाल दिया। कारण बता के आपने क्या किया, जेल में बताओ, कारण भी नहीं बता सकते क्योंकि आपने वकालत की है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश की है ना, बाबा कहेगा जाओ मौज कर। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे, 70 में कहा था कारण नहीं सुनेंगे, अब कहां सुनेंगे, हाँ सुन रहे हैं, बाबा तो नहीं सुनता, तब भी नहीं सुनता था, अब नहीं सुनता, बाबा कभी नहीं सुनता। बहुत समय कारण सुने लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है ना कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, डरा रहा है बाबा, 70 में कहा था तब नहीं डरे, अब हम क्यों डरे, तभी आप पैदा नहीं हुए थे। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे क्योंकि अब अंतिम समय, अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, उसके बाद स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अब ये दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प की भूल और उसका एक का 100 गुना दंड
ये तो गलत है ना। पहले तो इतना सब किया, पहले दंड नहीं दिया, सब माफ कर दिया, अब कहते हैं थोड़ा टाइम है, अब एक गलती करोगे, एक संकल्प गलत लिया तो 100 गुना। ये कैसे मिलता है? अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल वा दंड, फल या दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। दंड भी अभी मिलेगा, फल भी अभी मिलेगा। अभी वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं। आज सूचना दे रहे हैं बापा, 70 में दी थी जो सूचना, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं, इसलिए पहले सूचना दे रहे हैं कि अब एक करोगे तो 100 गुना दंड। अब मास्टर रचयिता का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते, अपनी रचना के सर्व आकर्षणों से अपने आप को दूर करते। बाप के आगे रचना हो, बाप के आगे तो आप रचना हो, लेकिन अब समय ऐसे आने वाला है, ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे तो रचना और भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। रचना जो है ना आपकी, वो अनेक प्रकार के रंग ढंग रचेगी। हाँ, क्योंकि उनके खेल, हाँ वो फिर आपको, क्योंकि फिर स्थितियां बहुत विपरीत हो जाएंगी ना, इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ बस, और फिर कहां भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में आप सब कुछ भूल जाएंगे। वहां जाकर सब कुछ भूल जाएंगे ना, तो ये अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ। आलस क्या होता है, अलबेलापन क्या होता है, भूल जाओ। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने भगत, आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। आप संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भगत प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज सुनेंगे, लेकिन ये भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है वे भी परखना है, बुद्धि का काम है, इसलिए अभी रियायत का समय गया, कृपा का टाइम गया। अभी रूहानियत का समय है, अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी, 70 में बजाई थी फर्स्ट सीटी, लास्ट सीटी तो बज गई होगी कि बजाएंगे। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं, इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त हैं, हम व्यक्त में क्या भी करें, बाबा को क्या,
ऐसे मत समझना। हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। ठीक है, अब क्या करोगे? हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में, बाप दादा खाली बैठे ना, स्पष्ट होता रहता है, देखते रहते हैं बाबा। हाँ, ऑटोमेटिक, बाबा को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना कि बाबा को पता नहीं है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। ईश्वरीय जो मर्यादाएं आपको दी हैं उनमें कभी बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है ना। माया से बेपरवाह बनो, माया की परवाह मत करो, कुछ नहीं कर सकते, वो तो कागज का शेर है। ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बनना है क्या मतलब हुआ? ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना। ईश्वर की मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है, कुछ कुछ। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। संपूर्णता को समीप लाना, कहां संपूर्णता की बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्याएं समाप्त हो जाएं। सामना करना नहीं आता तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो और वहां ही खत्म कर दें तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश भी होता है। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहां से आएगा? तो समझा, समस्या का बर्थ कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में अपनी स्थिति बोलेगी, आपकी स्थिति अपने आप बताएगी। छिप नहीं सकेंगे, जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी, अभी तो बाप गुप्त रखते हैं। तुम्हारे सब कुछ क्या रखते हैं? गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रख सकेगा। बाबा आपको गुप्त नहीं रख सकेगा। उनकी सूरत सीरत की प्रत्यक्ष कर दे करेगी, उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल की इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। समझा? तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आज नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुक पना छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वे पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, ये बाप की गारंटी। लेकिन ये तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखे। हर्षित कब रहेंगे? एक ही बात है, बाबा की। फिर बाप का काम है माया की आकर्षण से दूर रखना। आप बाबा की श्रीमत पर चलते जाओ, माया आ ही नहीं सकती। ये गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं।
क्योंकि जो आदि रत्न होते हैं उन्होंने आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ, जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी। आदि को अनादि बनाना माना आदि को अनादि बनाना माना स्मृति में रखना कि जो अब करेंगे वही हर कल्प होगा, वही हर कल्प होगा, तो अनादि हो जाएगा। आदि मतलब आज आप कर रहे हो ना, आदि जहां से शुरू करो, आज आपने जो भी काम किया वो इस कल्प में पहली बार हुआ, वो अनादि हो जाएगा। ये स्मृति में रहे कि मैं जो करूंगा वो अनादि हो जाएगा, ये अटेंशन रहेगा तो गलती नहीं करेंगे ना, वरना तो गलती करते रहते हैं, चलो अगले कल्प में ठीक कर लेंगे, पर तो याद रहे कि अगले कल्प में कभी ठीक समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है, कहां वो स्नेह और कहां समस्या, वो राई और वो पहाड़। आज ये नहीं कह रहे हैं, अब आपने बाबा की श्रीमत पर किया, जब आपको ये स्मृति है कि मैं स्टेज पर हूं, जो मैंने अब किया वो हर कल्प हो जाएगा, तो मैं आज बेस्ट से बेस्ट करूं। कहां वे स्नेह और कहां समस्या, वो राई वो पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है, याद रखना है, उंगली पकड़ के रखना है, बाकी साथ रखने का मतलब कोई है ही नहीं। अपने को अकेला कभी नहीं समझो, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वे अलग नहीं होते हैं, साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।